हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग दोस्तों। गर्मियाँ मतलब स्वेटिंग, स्किन रेस, स्किन एलर्जी, सनटेन मतलब मुसीबतों का पहाड़। और इनमें से स्वेटिंग, स्किन रेस, स्किन एलर्जी का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ना मैं वरुण भैया जैसी हूँ कि आप लोगों को ये सजेस्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी थोड़ा सा इंसानियत बाकी है। वो अलग बात है कि मैं कभी कभार इधर उधर निकल जाती हूँ, बट स्किन के लिए एक अच्छा सा सनस्क्रीन जरूर ढूंढ सकती हूँ, जिससे स्किन टेन जैसा प्रॉब्लम कम होगा। और रियली इससे तो और भी प्रॉब्लम हो सकता है। कौन सा प्रॉब्लम? स्किन कैंसर। ओ, इसको एंड में क्लियर करती हूँ। तो आज हम दो सनस्क्रीन का कंपेयर करेंगे, और ये दोनों ही ब्रांड ऐसे हैं जिन्हें हम थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ब्रांड नेचर ड्राइव इंग्रेडिएंट को यूज करके उनका प्रोडक्ट बनाते हैं। तो पहला सनस्क्रीन है मामाअर्थ अल्ट्रा लाइट नेचुरल सनस्क्रीन SPF 50 P++++, एंड दूसरा है अराठा सनस्क्रीन जेल SPF 50 P++++। What? P++++ क्या होता है? P++++ इक्वल टू एक्सट्रीमली हाई यूवी प्रोटेक्शन। सो दोस्तों, इन दोनों का कंपेयर करते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सा हमारे यूज करने के लायक है या दोनों ही बेकार है। तो और देर ना करते हुए शुरू करती हूँ। तो करना दोस्तों, कंपेयर शुरू करते हैं प्राइस से। अराठा सनस्क्रीन जेल का प्राइस है 50 ml का 374 rupees, एंड मामाअर्थ सनस्क्रीन लोशन का प्राइस है 80 ml का 448 rupees। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, ज्यादा तो नहीं, बहुत ज्यादा है। इन दोनों को मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मैं गरीब हूँ। अगर अच्छा हुआ तो आप लोग यूज कर सकते हो, बट दोस्तों क्वांटिटी वाइज अगर देखे तो दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो इन दोनों में कोई भी अच्छा हो, बट हमारा बजट जरूर बिगड़ेगा। सो इसके बाद देखते हैं दोनों ने क्या क्लेम किया है, किसने ज्यादा बेटर फेंका है। सो शुरू करते हैं अराठा से। इसके मुताबिक उनका ये सनस्क्रीन हार्मफुल UVA एंड UVB रे से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, और ये हर स्किन टोन में इजीली ब्लेंड हो जाता है। इसके बाद ये P++++ प्रोटेक्शन देता है, देन इसका जेल लाइक टेक्सचर है एंड बहुत इजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और बहुत ही लाइट वेट भी है। तो दोस्तों इसके मुताबिक ये परफेक्ट सनस्क्रीन है। सो इसके बाद देखते हैं मामाअर्थ ने क्या क्लेम किया है। इसके मुताबिक उनका ये सनस्क्रीन UVA एंड UVB रे से हमारी स्किन को 6 आवर तक प्रोटेक्ट करता है, देन SPF 50++++ प्रोटेक्शन देता है, और ये सफिशियंट प्रोटेक्शन है। इसके बाद ये लोशन सुइटेबल है इंडियन स्किन टोन के लिए, देन इट इज ए परफेक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप। इसके बाद ये सनस्क्रीन सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है, मतलब SLS, पेराबेन, सल्फेट, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, कलर एंड फ्रेग्रेंस फ्री है। क्या फेंका है इसने, इसका क्लेम सुन के ही लेने का मन कर रहा है। सो डेफिनेटली ज्यादा बेटर फेंका है मामाअर्थ ने। चलो ये भी ठीक है। तो देखते हैं दोनों का इंग्रेडिएंट लिस्ट, और सबसे पहले मामाअर्थ का। इसमें यूज हुआ है एक्वा ट्री हेप्टानोएन, ब्यूटाइल ऑक्टाइल सेलिसिलेट, टाइटेनियम डी ऑक्साइड, एल्यूमिनिया, सिट्रिक एसिड, पॉलीहाइड्रोक्सी स्टीरिक, नियोपेंटाइल ग्लाइकोल डाई हेप्टानोएट, ग्लिसरल स्टेरेट सिट्रेट। दोस्तों और भी इसके जैसे 21 इंग्रेडिएंट है इसमें, इतना मैं तो पढ़ लेती, पर आप लोग जरूर थक जाते सुन सुन के। सो इसके बाद देखते हैं अराठा का इंग्रेडिएंट लिस्ट। प्लीज ऊपर वाले इसमें उतना ज्यादा इंग्रेडिएंट ना हो, नहीं तो मैं पढ़ पढ़ के ही मर जाऊंगी। वो बदल गया। इसमें यूज हुआ है एक्वा वेजिटेबल ग्लिसरीन, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, ग्लिसरल स्टेरेट सिट्रेट, सिटेस्टेरल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट, सोडियम हाइलुरोनेट, स्टार्च पाउडर, और भी इनके जैसे 17 इंग्रेडिएंट का यूज हुआ है इसमें। मैं सच में पढ़ते पढ़ते मर जाऊंगी, और आप लोग सुनते सुनते। तो मैं अपना और आप लोगों का जान बचाती हूँ, और सीधा चलती हूँ कंपेयर के रिजल्ट के ओर। दोस्तों दोनों ही सनस्क्रीन में भर भर के इंग्रेडिएंट का यूज हुआ है, और अराठा सनस्क्रीन जेल में ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज हुआ है मामाअर्थ के मुकाबले। एंड अराठा का कुछ इंग्रेडिएंट का साइड इफेक्ट भी है स्किन में, और एक इंग्रेडिएंट का मेजर साइड इफेक्ट भी है, जैसे हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, जिंक ऑक्साइड, एल-एक्टिक एसिड, कार्नोबा वैक्स, टाइटेनियम ऑक्साइड। यार एक मिनट, जिंक ऑक्साइड बिना सनस्क्रीन कैसे बनता है जैसे मामाअर्थ ने बनाया है? कैरोट सीड ऑयल से भी 40-50% सन प्रोटेक्शन मिलता है। आई नो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने भी यही बोला था, बट तब मुझे उतना ज्यादा पता नहीं था कैरोट सीड ऑयल के बारे में। तो दोस्तों इस कंपेयर का विनर है मामाअर्थ अल्ट्रा लाइट नेचुरल सनस्क्रीन SPF 50।
हाँ, हिपोक्रेसी का सीमा तो नहीं है बट मेरा है। दोस्तों, मामाअर्थ में जितना भी इंग्रेडिएंट का यूज हुआ है सभी को नेचुरली प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो इनसे साइड इफेक्ट शायद ही होगा क्योंकि इनके साइड इफेक्ट का कोई एविडेंस नहीं है। अरे अरे, रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको जरा। सनस्क्रीन यूज करना चाहिए या नहीं, इस फाइट में मैं किस तरफ हूँ, ये नहीं जानना चाहते हो? दोस्तों, मैं पर्सनली खुद सनस्क्रीन यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे आज से पहले ऐसा सनस्क्रीन नहीं मिला था जिसे मैं यूज कर सकती हूँ। बट मुझे लगता है कि हमें सनस्क्रीन यूज करना चाहिए क्योंकि हमारे देश में लगभग 8 महीने गर्मी रहता है और इतना ज्यादा धूप में बाहर जाने से स्किन टैन तो होगा ही। बट सनस्क्रीन को घर में भी यूज करना चाहिए, इस साइड मैं नहीं हूँ। घर से बाहर निकलो तो यूज करो, वरना मत करो। और आप लोगों को अगर स्किन टैन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यूज मत करो, उतना भी जरूरी नहीं है। पर हाँ, इसके ओवर यूज से हमें स्किन कैंसर हो सकता है क्योंकि इंडिया में मिलने वाला ज्यादातर सनस्क्रीन का इंग्रेडिएंट लिस्ट सच में बहुत डेंजरस है। सो दोस्तों, इस फाइट में मैं किसी भी और नहीं हूँ, मैं सिर्फ सही के तरफ हूँ। तो आज यही तक, पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।